नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। बात करेंगे आज गुरु महाराज के अश्विनी नक्षत्र के भ्रमण के बारे में। गुरु महाराज अभी मेष राशि में चल रहे हैं, 13 अक्टूबर 2011 से 2 मार्च 2012 तक गुरु महाराज अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे। आइए देखते हैं राशि चक्र की प्रत्येक राशि को ये कैसा फल देने वाले हैं। राशि चक्र की जो प्रथम राशि है वो मेष है, और मेष राशि को गुरु का जो भ्रमण है वो चंद्र के ऊपर से हैं, लेकिन केतु के नक्षत्र में होने के कारण अननेसेसरी स्ट्रेस हो सकता है। राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ है, उसको गुरु का भ्रमण जो है वो 12वें स्थान में है, केतु के नक्षत्र में गुरु होने के कारण अननेसेसरी एक्सपेंस हो सकता है। तीसरी राशि है वो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि को गुरु का भ्रमण जो है वो 11वें स्थान में है, 11वें स्थान में गुरु का भ्रमण हालांकि शुभ माना गया है, लेकिन केतु के नक्षत्र में गुरु होने के कारण मित्रों के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। राशि चक्र की चतुर्थ राशि है कर्क राशि है, कर्क राशि को जो गुरु का भ्रमण है वो 10वें स्थान में है, पिता के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। राशि चक्र की पंचम राशि है वो सिंह राशि है, वो सिंह राशि को जो गुरु का भ्रमण है वो भाग्य स्थान में है, भाग्योदय में आप थोड़ा सा विलंब महसूस कर सकते हो। राशि चक्र की जो छठी राशि है वो कन्या राशि है, और कन्या राशि को गुरु का भ्रमण है वो अष्टम स्थान में है, भ्रमण शुभ नहीं है अष्टम स्थान में, आप फैमिली अदरवाइज फाइनेंस के लिए थोड़ा सा टेंशन महसूस कर सकते हो। राशि चक्र की सप्तम राशि है वो तुला राशि है, तुला राशि को सप्तम भाव में गुरु का भ्रमण जो है वो हस्बैंड पार्टनरशिप में अदरवाइज हस्बैंड और वाइफ को थोड़ा सा आप एक दूसरे से टेंशन दे सकते हैं। राशि चक्र की अष्टम राशि है वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि को गुरु का जो भ्रमण है वो छठे स्थान में है, छठे स्थान में जो गुरु का भ्रमण है वो वैसे शुभ माना गया है, लेकिन कॉम्पिटिटर से आपको थोड़ा सा टेंशन मिल सकता है। राशि चक्र की नवमी राशि धन राशि है, धन राशि को जो गुरु का भ्रमण है वो पंचम स्थान में से होगा, संतान रिलेटेड थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, लव मैटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। राशि चक्र की दसवीं राशि है वो मकर राशि है, और मकर राशि को जो गुरु का भ्रमण है वो चतुर्थ स्थान में है, चतुर्थ स्थान में गलत गुरु का भ्रमण शुभ नहीं माना गया है, प्रॉपर्टी मैटर में थोड़ा सा डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है। राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि है, राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि को जो गुरु का भ्रमण है वो पराक्रम स्थान में है, पराक्रम स्थान में गुरु का भ्रमण शुभ माना गया है, हालांकि केतु के नक्षत्र में गुरु होने के कारण थोड़ा सा साहस में विलंब हो सकता है। राशि चक्र की 12वीं राशि है वो मीन राशि है, और मीन राशि को गुरु का भ्रमण जो है वो धन स्थान में है, केतु के नक्षत्र में गुरु होने के कारण फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा सा टेंशन महसूस कर सकते हो, अदरवाइज फैमिली रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक और नए प्रेडिक्शन के बारे में। नमस्कार।